हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कुनकुना जी, एक ऐसी प्रोफाइल जिन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब को ज्वाइन न करके अब वो बहुत जल्द TACBDT यानी टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स ज्वाइन करने वाले हैं। सो इस खूबसूरत से बैकग्राउंड के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वैसे तो देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, ये डिसीजन जो है काफ़ी अटपटा है, अजीब सा है या फिर गलत मूर्खतापूर्ण डिसीजन है। हाँ, ऐसा लग सकता है लोगों को देखते हुए, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाओगे तो शायद चीज़ें समझ में लगे कि नहीं, ये डिसीजन जो था काफ़ी हद तक सही था। नहीं तो बहुत लोगों को गलत भी लगेगा, हो सकता है मेरे जैसे 2-4-5 लोग मिल जाए जिनको ही लगे कि हाँ ये सही था। मे बी 95% लोग यही बोलेंगे कि दुनिया में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए आप स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप कहाँ से आते हो, आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, क्या कुछ आपने ग्रेजुएशन में किया है। मैं सर राजस्थान के नागौर ज़िले से हूँ, नागौर ज़िले के डीडवाना सिटी से, और स्कूलिंग वगैरह मेरी वहीं लोकल हुई थी, लाडनू डीडवाना जो हमारे आसपास का एरिया, वहीं से 11-12 तक। हिंदी मीडियम से? हाँ, हिंदी मीडियम से था सर मैं। इसके बाद मैंने बीटेक के लिए ट्राई किया, लोगों में आजकल सारे लोग करते, हो सकता है आपने भी की होगी। मैंने नहीं की। आप बच कैसे गए सर? ये मतलब देखा देखी मैं, या आप ये मान लो 3 इडियट्स का सर है, 2009 में आई थी 3 इडियट्स, उसके बाद से मतलब लोग और कुछ नहीं, तो इंजीनियरिंग। बीटेक कब स्टार्ट हुई आपकी? हाँ, मेरी बीटेक 2011 से 15 में स्टार्ट हुई थी सर, वो 15 में खत्म होनी थी। हाँ, वो 15 में खत्म होनी थी, वो हो नहीं पाई थी, वो 16 में खत्म हुई थी। बैकवेक लग गई? हाँ, ये छोटी मोटी बैकवेक लग गई थी, 2-4-5 बैक लग गई थी। फिर आपका CGL का सफ़र शुरू होता है, CGL 2016 से। हाँ, ये CGL का सफ़र भी वो है, किसी और की वजह से हुआ था, किसी दोस्त ने CGL में एडमिशन ले लिया था, तो घर वालों को मालूम पड़ गया, तो मजबूरी में अपन ने भी CGL में एडमिशन लिया, जबकि तब तक SSC और CGL दोनों फुल फॉर्म भी नहीं मालूम थी। इंडस्ट्री नहीं होती, किस्मत देखो, जो आपके किस्मत में लिखा होता है वहाँ अपने आपको अपने आप भाते हुए ले जाती है। इनके साथ भी पटवारी की तैयारी कर रहा था सर। अच्छा, हाँ, राजस्थान में मतलब वो है कि जैसे बोलते ना, हमारे इधर बोला करते कि पटवारी गाँव का कलेक्टर होता है, तो मेरे को जिले का कलेक्टर नहीं बनना था, गाँव का कलेक्टर ही बनना था। अच्छा। हाँ, तो नवंबर 2015 में शायद पटवारी की भर्ती आई थी, तो उसकी प्रिपरेशन करके, और फेब 2016 में उसका प्री था, वही सोच के मैंने प्री एग्ज़ाम दे दिया था फेब 2016 में, और तब तक SSC जानते ही नहीं थे, नाम भी नहीं मालूम था। उसके बाद किसी दोस्त ने इधर जोधपुर में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो अभी बंद हो चुका है। हाँ, जो भी बंद हो चुका, बिल्कुल सही बात है, नाम तो नहीं लेना चाहिए, जो चीज़ें बंद हो चुकी है उनका। उनकी एक ब्रांच बंद हो गई है जोधपुर में, जोधपुर में चल रही है, वो अदर जगह काफ़ी जगह चल रही है, और वो भी अपने लेवल पर अच्छा कर रहे हैं। तो अभी जो वो जो लोग उस टाइम हमें पढ़ाते थे, आज वो ज्ञानविहार नाम से जोधपुर में ही अवेलेबल है फैकल्टी। बहुत अच्छा, मैं बता दूं आप लोगों को, जो लोग जोधपुर या उसके आसपास के लोग हैं, अगर वो ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं SSC के या फिर राजस्थान के एग्जाम्स के लिए, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप ज्ञानविहार क्लासेस ज्वाइन कीजिए। हाँ, जोधपुर जरूरी नहीं है, आप जयपुर में जो भीड़ वगैरह करते हो तो उसका भी अल्टरनेट ऑप्शन आपको मारवाड़ में मिल रहा है। क्लासेस की जो फैकल्टी, उन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी फैकल्टी है, काफ़ी अच्छे इनके जो अब तक के रिजल्ट रहे हैं। तो हाँ, CGL 2016 हो, 17 हो या फिर 18 हो, रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अपने सिर्फ ज्ञानविहार से ही मिल रही है जोधपुर में। तो फिर आपने सबसे पहले CGL 2016 दिया SSC में? हाँ, मैंने 2016 दिया था, उसके लिए मैंने शायद 22 फरवरी 2016 को एडमिशन लिया था उस कोचिंग संस्थान में, जिसकी जोधपुर ब्रांच बंद हो चुकी है। और जो टीचर हमें पढ़ाते थे, ऐसा नहीं कि कोचिंग ने हमारे पे मेहनत की थी, वो जो टीचर जो मेहनत करते थे, आज वही लोग उसी जोधपुर में ज्ञानविहार नाम से अवेलेबल है, तो वहीं से सफ़र शुरू हुआ था उस टाइम। CGL में? हाँ। आपको CGL 2016 में इन्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली, आप इनका मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर था, मैंने आप इनके पोस्टर्स देखे थे। CGL 2016 में उस टाइम पे तो देखो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं था, तो जो रॉ स्कोर था बस वही फाइनल स्कोर होता। दो दिन एग्जाम होता सर, 30th ऑफ नवंबर और 1st ऑफ दिसंबर को। हाँ, 30 नवंबर और 1 दिसंबर। इनके मैथ्स में जो 192.5 मार्क्स थे, तीन क्वेश्चन गलत हो गए थे 97 से। बहुत अच्छा स्कोर था, आप 100 के 100 अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आपके 3 गलत, वो भी 2 सवाल 99 से थे सर मेरे उसमें। वो उस टाइम क्या था कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन था, तो वो सवालों के आंसर चेंज हो गए थे ऐसा कुछ। हाँ, इन्हें इनका क्लेम ये है कि इनके हिसाब से इनके 99 सही थे, 2 क्वेश्चन जो थे इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जो आंसर मार्क किया था वो ना होके, जब इन्होंने आंसर की में देखा तो इनका दूसरा मार्क हो रखा था। ये चीज़ काफ़ी बच्चों के साथ हुई थी, काफ़ी लोग पहले इसका इशू बनाते थे। इंजीनियर अपन थोड़ा बहुत वो करते, खुराफाती दिमाग वाले है, तो ये हुआ था कि मैंने 2-3 रफ शीट ले ली थी, और एक रफ शीट पर सारा पेपर सोल्व किया था, बाकी 2 रफ शीट जो खाली वाली थी वो उनको वापस लेके आ गया था, और जो रफ शीट जिस पर मैंने सवाल सोल्व किए थे वो रफ शीट में जेब में डाल के ले आया था। तो वहाँ से मालूम पड़ गया कि वो 2 सवाल ऑप्शन अपन गलत नहीं लगाएंगे, अगर किसी सवाल का 90° आंसर आ रहा है तो अपन 80° तो ऑब्वियसली नहीं लगाएंगे। तो यही सब कुछ हुआ था अपने पास, 99 सही था, 1 सवाल ट्रिग्नोमेट्री का था जो गलत हो गया था। फिर आपको जोन एलोकेशन में आपको मिला पुणे? हाँ, उस टाइम थी ये अपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपनी फर्स्ट चॉइस थी, एग्जामिनर थी फर्स्ट चॉइस, जो शायद रह गई थी कट ऑफ, 552 मार्क्स थे मेरे उस टाइम, अभी तो 650 पे भी कुछ नहीं मिलता, उस टाइम 552 नंबर पे 630 रैंक थी, 632 या 632 ऑल इंडिया रैंक, 632 ऑल इंडिया रैंक 632।
तो ओबीसी कैटेगरी से हैं इसलिए आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गई। और हाँ, राजस्थान में चार सीट थी तो राजस्थान में तो ऑल इंडिया रैंक आपकी 20 या 30 या 50 तक रहे तो हो सकता है आपको मिले, नहीं मिलेगी अब तो राजस्थान में, तो आप डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन नहीं कर सकते। फिर मतलब किस पॉइंट पे आपने डिसाइड किया और डिसाइडिंग फैक्टर क्या था, मतलब कि क्यों आपने फिर वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया? डिसाइडिंग फैक्टर सर ये था कि उस टाइम मेरे पास ऑलरेडी राजस्थान सेगमेंट के भी 2-3 जॉब थी इस पास में, तो ये था कि क्या पता कल को घर के पास रहना पड़े या फिर आरएस वगैरह का भी सोच रखा था। अभी तक हालांकि आरएस वगैरह क्लियर नहीं हुआ, उस टाइम बस सोचा था कि कभी ना कभी आरएस निकालना है तो अफसर बनना है तो राजस्थान में ही बनाएंगे, तो ये सोच के और ज्ञानविहार में मतलब पूरी तरीके से जुड़ गए थे ज्ञानविहार संस्थान में, तो जो चीज़ अपन ने हासिल की है वो चीज़ बाकी लोगों को भी अपन दे पाए, उनको तरीके बता पाए, उनके सफ़र में अपन उनकी मदद कर पाए, तो इसी हिसाब से कि अपनी नौकरी तो और लग जाएगी ये सोच के ज्वाइन नहीं किया था। जितना मैं समझता हूँ देखो, जो नॉर्थ के जो बच्चे होते हैं, जो नॉर्थ में जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इन जैसे राजस्थान अपने आप में बहुत सुंदर स्टेट है, हाँ। तो जो इंसान बचपन से इतना खुले खुले में रहा उसको एकदम से भीड़ भाड़ वाले इलाके में नौकरी के लिए अगर कोई भेज दे कि जाओ, शायद अपन नहीं कर पाते, हो सकता है वो डिसीजन अच्छा होता, हो सकता है जिंदगी में पहला सीजियल था वो, जो बच्चे फर्स्ट टाइम सीजियल देते हैं देखो हर इंसान उस टाइम पे ये सोचता है कि मुझे अच्छे से अच्छी जॉब मिले, हम अच्छे जॉब में इन्हीं को मानते हैं, एग्जामिनर को, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को, इन सबको बढ़िया मानते हैं, लेकिन हम उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि हमें जॉब कहाँ मिले इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, क्या मिले इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो आज भी कई बच्चे हैं जो सोचते हैं कि अच्छी पोस्ट मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि नहीं यार अपने घर के पास मिलना। बट फर्स्ट टाइम सर वही है, कहाँ मिले, कहीं कौन सी पोस्ट मिले, कहीं पे भी मिले, हाँ वो सोच के अपन कुछ नहीं करना, चूजर्स जो एक कुछ तो ऐसे होते हैं कुछ भी मिल जाए चलो कुछ मिल जाए, बस वही सोच के अपन नहीं तो होते हैं, सोचते हैं कि चलो कुछ ना कुछ घर ही मिले। नहीं सर उस टाइम तो अपन ने यही सोच के लिया था कि कुछ भी मिले कहीं पे भी मिले, और शायद अगर अपन प्रेशर लेके ये सोचते तो हो सकता है इस पोस्ट को अपन अचीव कर ही नहीं पाते, तो ये चीज़ हाँ पॉसिबल नहीं थी अगर अपन प्रेशर लेके चलते कि सीजीएल क्लियर करना ही करना है। और फिलहाल आप बैंक में जॉब कर रहे हो? हाँ फिलहाल मैंने 2018 में जो रीजनल रूरल बैंक का पेपर दिया था, किसी के ये कहने पे कि एसएससी वाले बैंक का पेपर क्लियर नहीं कर सकते उसमें भाई जीके वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था तो बैंक की नौकरी से खुश हैं आप? देखो वही बात है, खुल के, खुल के, खुल के, हाँ। इनके बैंक के मैनेजर ये वीडियो न देख ले तो हम प्रार्थना करते हैं आप खुल के बोल सकते हो। नहीं नहीं बैंक की नौकरी से कोई कुछ नहीं होता, आदमी के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो लास्ट में जाके वो बैंक की नौकरी करता है, ये मेरे को बाद में मालूम पड़ा। जयपुर जोन इन्हें अलॉट हो गया सीजीएल 2018 में, ठीक है, सीजीएल 16 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला, सीजीएल 18 में इन्होंने टीएचईवीडीटी लिया, जबकि आपका स्कोर इतना था कि आपको आसानी से एक्साइज इंस्पेक्टर मिल सकता था, डिविजनल अकाउंटेंट मिल सकता था, दोनों गुजरात मिल जाते। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से जो है सीजीएल 2018 वालों की टीएचईवीडीटी की जयपुर जोन में ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ की तो हो भी चुकी हैं अभी ज्वाइनिंग। तो अगर थोड़ी स्ट्रेटेजी की बात करें, जैसे कोई न्यू कमर्स हैं उन्हें कौन कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा मॉक टेस्ट के बारे में बता दो, आपने कहाँ से दिए थे, कितने दिए थे, या इंग्लिश और मैथ्स के लिए अलग अलग कौन सी बुक्स जो हैं जो मस्ट हैं, ये तो करनी ही चाहिए एक नए बच्चे को जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं? देखो सर सीजीएल की तैयारी हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी हो, आपको किसी न किसी एक बुक पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप खूब सारी बुक्स लेके आ जाओगे, खूब सारे नोट्स रख लोगे, जैसे राजस्थान सेगमेंट में होता है ये भी रीट वगैरह के एग्जाम के लिए लोग इस कोचिंग का नोट्स ले आए, उसके भी ले आए, साइकोलॉजी के चार चार टीचर के नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आप पहले कोई सी एक बुक लेके उसको कंप्लीट करो, कोई बुक बोले वो मतलब सारी बुक अपने आप में अच्छी होती है, तो आप कोई सी भी एक बुक ले आओ। मैथ्स में बात करें अगर अपन राकेश यादव पब्लिकेशन की आप ले आओ, चाहिए चाहे आप किरण पब्लिकेशन की ले आओ या कोई भी और बुक हो आपके पास, भले आरएस अग्रवाल हो, तो आप एक बार उस बुक को कंप्लीट करो। फिर एसएससी लेवल में आपको जाना है तो किरण या राकेश यादव में से एक को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, दूसरे पास्ट पेपर्स करने पड़ेंगे। हाँ पास्ट पेपर जो उन्होंने आज तक के सारे कवर कर रखे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हुए थे, तो इन दोनों में से कोई भी एक बुक सॉल्यूशन वाइज जो आपकी अच्छी आपको अच्छी लगे तो आप ट्राई करो। दो लोगों को दोनों अलग अलग बुक ले आओ, बोली पहले ये कर लो, ये कंप्लीट हो जाए, मेथड देखना हो, सवाल दोनों में सेम है बिल्कुल। और इंग्लिश हाँ इंग्लिश के लिए भी वही है, आपको कोई ना कोई एक बुक उठानी पड़ेगी, या तो आप एमबी पब्लिकेशन ले आओ जिसने एसएससी प्रीवियस ईयर कंप्लीट कवर कर रखे, या थ्योरेटिकली आपको पढ़ना है तो आप फिर नीतू सिंह मैम की प्लिन टू पैरामाउंट, या अभी केडी कैंपस की जो आ रही है वॉल्यूम 1 और 2, हाँ या एसपी बक्सी वगैरह जो भी है, तो आप किसी भी एक बुक को ले आओ। थ्योरेटिकली आप अगर स्ट्रांग नहीं हो तो थ्योरी के साथ ले आओ, नहीं तो आप फिर एमबी पब्लिकेशन डायरेक्ट प्रैक्टिस के लिए ले आओ, और किसी भी एक टीचर को जिसको आप फॉलो कर रहे हो, बोले कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में फॉलो कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो उन पे भरोसा रखो और साथ में प्रैक्टिस के लिए। और मॉक टेस्ट वगैरह कितने दिए? मॉक टेस्ट सर वीकली 2 दिए थे मैंने उस टाइम, थर्सडे और संडे 2 टेस्ट होते थे, तो वो 2 टेस्ट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, बाकी 5 दिन में जितना नहीं कर पाते थे वो उन 2 दिन में अच्छे से कर पाते थे। वही चीज अपन को एसएससी में पूछ रहे, वो 11 12 तो या बीटेक वाली चीजें नहीं पूछते अपने से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप कुछ नए व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हो जो बच्चे नई नई सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए?
देखो CGL की तैयारी कर रहे हो तो वही है आपके यहाँ पे, मतलब अपॉर्चुनिटी जो जो SSC के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे, CGL है, CPO है, GD है या फिर MTS है, एग्ज़ाम का लेवल सब में सेम रहता है। वो पोस्ट वाइज लेवल उनका डिफरेंस रहता ही रहता है, किसी में 10th पास अला हुआ है, किसी में 12th पास, या फिर कोई ऑफिसर लेवल की जॉब है, या कोई सी ग्रेड की, या फिर कोई 4th ग्रेड की जॉब, तो वो चीज़ है। बाकी आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे एग्ज़ाम तो आपके कवर होते ही होते हैं। अगर किसी को मान लो SSC वगैरह में थोड़ा लक काम ना साथ ना दे, और तो वो राजस्थान सेगमेंट वगैरह कोई और भी एग्ज़ाम रेलवे वगैरह के निकाल रहा है, रेलवे में भी अपने सारा सिलेबस कवर हो रहा है, इंग्लिश हटा दो आप, मैथ्स रीजनिंग और GK में, तो आप कोई ना कोई एग्ज़ाम, अगर आप ईमानदारी से साल भर SSC की तैयारी करो और साल भर उसके बाद में सेल्फ स्टडी करो, तो विद इन टू एंड हाफ ईयर आप कोई ना कोई जॉब अचीव कर लोगे। मान लो SSC में नहीं हो, किस्मत अपना साथ नहीं दे रही, तो राजस्थान सेगमेंट में आपको अलग से राजस्थान GK वगैरह या अपना जो भी स्टेट का GK है वो पढ़ के आप अदर एग्ज़ाम भी निकाल सकते हो, या थोड़ी बहुत अलग से प्रैक्टिस करके आप बैंक का एग्ज़ाम निकालना चाहो वहाँ निकाल लो। बाकी SSC का सिलेबस ऐसा ही है, काफ़ी प्रेडिक्टेबल सा है, हो जाती है चीज़ें, हो जाती है अगर अपन ईमानदारी से करें, और नहीं करें तो टाइम ख़राब भी बहुत जल्दी होता है सर। काफ़ी सारे लोग हैं मतलब SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं नहीं पढ़ा, फिर दो दिन पढ़ लिया, फिर एक दिन छुट्टी मार ली, मतलब कंसिस्टेंसी से पूरी लगन के साथ ईमानदारी से मेहनत करता है, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा सर। वो है नंबर ऑफ पोस्ट आपको साल भर में 20,000 से ज़्यादा मिल जाएगी, 8-9,000 पोस्ट आप CGL में मान लो, फिर आपको CPO में मिल जाएगी सर 3-4,000 पोस्ट हर साल, CGL में मिल जाएगी, वो CHSL में 6-7,000 पोस्ट, MTS आ गई तो फिर MTS भी ट्राई कर सकते हो, MTS भी बुरी जॉब नहीं है, MTS बुरी जॉब नहीं सर, MTS तो आपके डिपार्टमेंट का राजा होता है, ऐसे सुना मैंने, आपने भी वीडियोस देखी होंगी हमारे। हाँ, ये अपने कुणाल भाई जो है वो MTS है, लेकिन वो राजा है डिपार्टमेंट के, बिल्कुल उनका मल्टीटास्किंग है, वो मर्जी पढ़ाई करो, जो मर्जी गलती करनी है करो, सारी गलती माफ होती है MTS, मल्टीटास्किंग है वो, सारे काम वही संभालते हैं, कोई बंदा उनको दिखना चाहिए फ्री, उसका काम वही संभाल। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतने रखते हैं, टाटा टेक केयर, बाय बाय।